अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? आज मैं आपको सिखाऊं कि इन शॉर्ट में कैसे हम की फ्रेम लगाएं और हम उर्दू फंट कैसे चलाएं। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड सेव कर लेंगे, ठीक है? अब बैकग्राउंड का हम जो है वो स्क्रीन शॉट लेकर और फिर उसको हम अपने आ जाएंगे इन शॉट पर, ठीक है? इन शॉर्ट पर आने के बाद जो है हम उसको कैनवस पर 16:9 के रेशियो से करेंगे। 16:9 का रेशियो जो है वो किसका होता है? यूट्यूब का होता है। जब हम उसको करेंगे तो फिर अब हम उसको सेव करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे इन शॉट को जो है उस पे ऐड आते हैं। उन एड्स को ज़रा देखना पड़ता है, उससे हमें पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स हमारे लिए किस सिलसिले में होते हैं कि वो फ्रेम जो है वो हमारी चल जाती है, ठीक है? की फ्रेम में आसानी हो जाती है। तो ये कोशिश करें कि वो जो एड आ रहा है वो देख लीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने की जो अपना बैकग्राउंड है उसको पहले मैंने सेलेक्ट करके और उसको काफ़ी बड़ा कर दिया था ताकि जब मैं उस पर टेक्स्ट लगाऊं तो उस पर परेशानी ना हो। कैनवस को मैंने सेट कर दिया और मैंने उसको राइट का क्लिक ज़रूर करना है, ठीक है? फिर हम उसके बाद टेक्स्ट के क्लिक को करेंगे। फिर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इंग्लिश का जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और हम इसमें आ जाएंगे उर्दू के उस फंट पे। उर्दू के फंट आने के बाद हम यहाँ माइक का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, माइक के निशान को पुश करेंगे। जब हम वो करेंगे तो हम जो कहते जाएंगे वो लिखता जाएगा। अब आपने ये नहीं कि सिर्फ लिखा और राइट का निशान कर दिया, ठीक है? आपने पहले लिखना है, वो लिखता जा रहा है, ठीक है? अब आप ये चीज़ नोट करें कि इसमें देखिए सिर्फ एक लाइन में लिखा जा रहा है, ठीक है? और हम जो कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, उनको भी ज़रा सा सही करना होता है। अब वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जब ये हो जाएगा तो आप दोबारा फर्स्ट लाइन पे आएंगे और सबसे पहले आपने स्पेस देनी है, ठीक है? स्पेस देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ड्स के बाद आपने स्पेस देनी है। जब आप स्पेस का ये नीचे ऑरेंज टाइप का जो बटन नज़र आ रहा है एरो का, ये पुश करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपने देखना है कि आपकी अगर कहीं गलती है, अलिफ आप में जैसे अलिफ मत आ होता है तो आप अलिफ़ को पुश करेंगे तो अलिफ मत आ जाएगा, ठीक है? ये गलतियां हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम नीचे तक अपना काम इसको लेते हुए जाएंगे और हमें पढ़ते जाना है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है? ये मेरी मिस्टेक्स जो थी मैं उनको सही करती जा रही थी कि बैठे और आपको नज़र आ रहा होगा कि हम भी अगर अपने नज़्बुल हैन हासिल करने का तहिया कर लें और अपनी पहली नाकामी पर हौसला ना हार बैठें बल्कि अपने अय्यूब की इस्लाह करें। उसके बाद देखें, मैं जब स्पेस दूंगी तो वो नीचे लाइन जाएगी। जी दोस्तों, जब ये आपका हो जाएगा तो आप उसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और फिर इसको कॉपी करना ना भूलें ताकि अगर आपका कोई काम गलत हो तो आप उसको दोबारा पेस्ट कर सकें, आपको दोबारा इतना लिखना ना पड़े, तो रिपीट ना करना पड़े, ठीक है? फिर उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको की फ्रेम का ये जो बटन है ये पुश करना है। ये पुश करने के बाद
आप जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे ग्रीन लाइन, इसको चलाएंगे और इसको एंड तक लेकर आना है दोस्तों। ये आप चीज़ लाजमी करेंगे। उसके बाद आप ऊपर वीडियो पे आएंगे और उसको फिर वो हर स्लो स्लो अपना ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे भी बहुत देर से समझ में आई, लेकिन जब समझ आई तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताऊं। फिर उसके बाद आपने की फ्रेम को दोबारा पुश करना है और उसको प्ले करके देखना है। तो ये आपके सामने है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा बता सकूं। हो सकता है आप मुझसे अच्छा बेहतर जानते हो, अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। क्या आप इसको देखना चाहते हैं कि अब हम इसमें कैप कट पे फिर इसको कैसे करते हैं, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कैनवा करना है, हमें थंबनेल बनाना है? तो अगर आपने कुछ पूछना हो तो ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।